हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव भैया। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। ओके, तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे उन्हें हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। इसमें हमारे बैक्टीरिया भी आते हैं, फंगस भी आते हैं। ओके, क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई वी नीड बायो फर्टिलाइजर्स, हमें बायो फर्टिलाइजर्स की जरूरत क्यों पड़ी? हम अब तक इस्तेमाल कर रहे थे हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ओके? और नुकसान क्या है केमिकल फर्टिलाइजर्स के? एक तो वो महंगे हैं, दूसरी चीज आफ्टर सम टाइम वो सॉइल को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, सॉइल टेक्सचर को खराब कर देते हैं। ओके, दैट्स व्हाई वी नीड बायो फर्टिलाइजर्स। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट, एक कंप्लीट फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, जिसकी हेल्प से हम काफी जल्दी और काफी इजिली जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनके बारे में जान सकते हैं। ओके, तो जो बायो फर्टिलाइजर्स है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया, बायो फर्टिलाइजर्स में हमारे क्या इन्वॉल्व है? बैक्टीरिया एंड फंगस। तो सबसे पहली चीज बैक्टीरिया, यहां पे हमने क्लासिफाई किए हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। यहां पे हमारे शानो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनका नेचर मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होता है। और थर्ड है हमारे फंगस, व्हेन फंगस एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर, जिसे हम कहते हैं माइकोराइजा। इज दैट क्लियर? यहां पे हम माइकोराइजा के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, पहले से स्टार्ट करते हैं हम। पहले कौन से बैक्टीरिया है हमारे? हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ओके, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इसमें फर्स्ट क्लास हमारी आ जाती है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी कि ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सॉइल के अंदर फ्रीली प्रेजेंट है। ओके, और क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अनयूजफुल नाइट्रोजन इनटू द यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक एज नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स, तो उसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां पर हमारे आते हैं एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस पॉलीमाइक्सा। ओके, तो ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जो यूज किए जाते हैं किसमें? कॉटन, मेज, ज्वार, राइस, इन क्रॉप्स में इन फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सेकेंड हमारा आता है राइजोबियम के बारे में, यानी कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो सेकेंड है हमारे, वो कौन से हैं? फ्री, सेकेंड इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ओके, तो जब हम बात करते हैं बेटा सिम्बायोटिक के बारे में, सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? म्यूचुअलिज्म। सिम्बायोटिक के केस में बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड, बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड, जो दोनों स्पीसीज हैं उनको क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। ओके, तो यहां पर जो बैक्टीरिया हैं उनको भी बेनिफिट हो रहा है और जो प्लांट्स हैं उनको भी बेनिफिट हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फर्स्ट हमारा आता है राइजोबियम के बारे में। जो राइजोबियम है वो एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। पाया जाता है कहां पे? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। रूट नोड्यूल्स में किसके? लेग्यूमिनस प्लांट्स के। ओके, तो वहां पर वो एक रूट नोड्यूल बना लेगा और वहां पे एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन। इज दैट क्लियर? ओके, सेकंड इसमें आता है हमारा फ्रैंकिया के बारे में। जो फ्रैंकिया है दैट इज एन एक्टिनोमाइसेट, वो क्या है? एक एक्टिनोमाइसेट है और ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है किसके साथ? नॉन लेग्यूम प्लांट्स के साथ। किसके साथ बनाएगा? ये नॉन लेग्यूम प्लांट्स के साथ अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। इज दैट क्लियर? सेकंड आते हैं हमारे शानो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनका नेचर कैसा है? ऑटोट्रॉफिक है नेचर। ओके, इसमें भी हमारे फर्स्ट आ जाते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग शानो बैक्टीरिया, यानी कि फ्रीली प्रेजेंट है सॉइल के अंदर और क्या प्रोसेस कर रहे हैं? वही नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल हमारे एनाबिना नोस्टम ऑलिसोरिया प्लीज क्लिनिडोस्पर्मम। ओके, इनको यूज किया जाता है राइस, शुगर केन एंड मेज फील्ड्स के अंदर। ओके, इस चीज के लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, यहां पर जब हम बात कर रहे हैं सिम्बायोटिक, नेक्स्ट हमारा आएगा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग शानो बैक्टीरिया। यहाँ पे आता है एजोला एनाबिना की इंट्रेक्शन, एजोला और एनाबिना की इंट्रेक्शन। जो एजोला है वो एक वाटर फर्न है जो तकरीबन 5 या 7 दिन के अंदर क्या कर जाता है? अपने आप को डबल कर लेता है। तो इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बायो फर्टिलाइजर के तरीके से राइस प्लांट्स में। ओके, तो एजोला के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है एनाबिना।
ओके, जो इसके साथ सिमेटिकली प्रेजेंट है। और ये जो एराबिना बैक्टीरिया है ये हेल्प कर रहा है किस चीज में, नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में, इज दैट क्लियर। ओके, जब हम सिम्बायोटिक की बात करें तो दोनों को फायदा हो रहा है, यहाँ पे भी हमने सिम्बायोटिक की बात करी, इधर भी। तो यहाँ पे क्या फायदा हो रहा है, प्लांट को क्या फायदा हो रहा है कि ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं, और इन बैक्टीरिया को क्या बेनिफिट हो रहा है कि इनको क्या मिल गया, एक पर्टिकुलर एरिया मिल गया रहने के लिए, इज दैट क्लियर। ओके, इन चारों के अलावा एक और हमारा मेन आता है जो लूजली एसोसिएटेड बैक्टीरिया है, लूजली एसोसिएटेड बैक्टीरिया, उसमें हमारा एग्जाम्पल आएगा एजोस्पायरलम का, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे माइकोराइजा के बारे में। ओके, फिफ्थ आते हैं हमारे लूजली एसोसिएटेड बैक्टीरिया, लूजली एसोसिएटेड बैक्टीरिया, इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा एजोस्पायरलम, एजोस्पायरलम, जो एजोस्पायरलम है वो प्लांट की रूट्स में जाता है और वहां पर एक लूज एसोसिएशन बना लेगा, लूज एसोसिएशन, ये परमानेंट नहीं है। ओके, और उसे हम क्या कहते हैं, राइजोस्पियर, क्या कहेंगे उसे हम, राइजोस्पियर। ये कैसे है, लूजली एसोसिएटेड बैक्टीरिया हेल्प करेंगे किसमें, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, इस चीज में हेल्प करते हैं ये, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ओके, फिर जो हमारा आता है माइकोराइजा के बारे में, ये चीजें थी जो हमने बात करी बैक्टीरिया के रिगार्डिंग। ओके, अब आता है हमारा फंगस का, जो फंगस है माइकोराइजा, माइकोराइजा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो माइकोराइजा है इट इज ऑल्सो ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, कहां पे मिलेंगे ये, रूट्स में मिलेंगे किसकी, हायर प्लांट्स के। ओके, तो उसे हम कहते हैं माइकोराइजा, क्या कहेंगे उसे हम, माइकोराइजा। और मेनली यहां पे कौन सा जीनस यूज किया जाता है, यहां पे ग्लोमस, ग्लोमस स्पीसीज के या ग्लोमस जीनस के, ग्लोमस जीनस के जो फंगस हैं आर मेनली यूज्ड, मेनली यूज्ड। ओके, जो माइकोराइजा है प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड कराते हैं बेटा, फॉस्फेट्स टू दी प्लांट्स, फॉस्फेट प्रोवाइड कराएंगे किसको, प्लांट्स को, इज दैट क्लियर। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ माइकोराइजा, जो माइकोराइजा है उसके कितने टाइप्स हैं। ओके, तो ये डिपेंड करता है प्रेजेंस के ऊपर कि जो फंगस है वो कहां पे प्रेजेंट है, वो आउटर सरफेस पे है, कॉर्टिकल सेल्स तक ही रह गया है या और ज्यादा अंदर जा रहा है। ओके, तो जो फंगस एसोसिएशन हमारा माइकोराइजा, फर्स्ट आता है इसमें एक्टोमाइकोराइजा, फर्स्ट क्या है हमारा इसमें, एक्टोमाइकोराइजा, यानी कि जो फंगस है, फंगस इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ द रूट्स, आउटर सरफेस ऑफ द रूट्स। ओके, साथ के साथ कॉर्टिकल सेल्स से, यानी कि कॉर्टेक्स के सेल्स से, कॉर्टेक्स सेल्स सिक्रीट, मेंशन किया है मैंने यहां पे, सिक्रीट करते हैं शुगर, सिक्रीट शुगर, सिक्रीट शुगर किसके लिए, फॉर फंगल ग्रोथ, फंगल की ग्रोथ के लिए, इज दैट क्लियर। ओके, फिर जो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज एंडोमाइकोराइजा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, एंडोमाइकोराइजा हो जाएगा, एंडोमाइकोराइजा। अब जो फंगस है एंडोमाइकोराइजा के केस में, एंडोमाइकोराइजा के केस में जो फंगस है वो काफी अंदर तक प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स सेल्स के जो इंटरकॉर्टिकल सेल्स है वहां पे भी। ओके, अब यहां पे क्या है बेटा, जो इंटरकॉर्टिकल सेल्स हैं, इंटरकॉर्टिकल सेल्स
डज नॉट सिक्रीट शुगर फॉर फंगल ग्रोथ, फंगल ग्रोथ के लिए वो शुगर रिलीज नहीं करता. ओके तो वहां पर जो फंगस है वो न्यूट्रिएंट सेल्स बनाता है, न्यूट्रिएंट सेल्स जिनसे वो न्यूट्रिशन लेगा, टेक्स न्यूट्रिशन, और उन्हें हम कहते हैं पैलोटॉन्स. क्या कहेंगे उन्हें हम? पैलोटॉन्स कहेंगे. इज दैट क्लियर? साथ के साथ वहां पर एंडोमाइकोराइजा के केस में ही वहां पर कुछ ग्रैन्यूल्स डेवलप होते हैं, बंडल्स. ओके जिन्हें हम कहते हैं VAM, VAM, वेसिक्युलर आर्बेस्क्युलर माइकोराइजा. क्या कहेंगे जिन्हें हम? वेसिक्युलर आर्बेस्क्युलर माइकोराइजा. ओके जो ये माइकोराइजा है, ठीक है, यहां पे आर्बेस्क्युलर मींस स्वेलन, स्वेलन वेसाइकल्स, स्वेलन वेसाइकल्स. ओके उन्हें हमने कहा वेसिकुलर आर्बेस्कुलर माइकोराइजा, जो क्या प्रोवाइड करेंगे? प्रोवाइड्स, वही हमारा, प्रोवाइड्स फॉस्फेट्स, प्रोवाइड्स फॉस्फेट्स टू द प्लांट, प्रोवाइड फॉस्फेट टू द प्लांट. इज दैट क्लियर? जो माइकोराइजा है इसका इंपोर्टेंस क्या है अगर हम बात करते हैं? बेनिफिट्स ऑफ माइकोराइजा, बेनिफिट्स ऑफ माइकोराइजा, क्या बेनिफिट्स हो जाएंगे इसमें हमारे? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. सेकेंड, इंक्रीजेस सरफेस एरिया, increases surface area of root for maximum nutrients availability, for maximum nutrients availability. साथ के साथ ये जो nutrition about 2 to 3 times nutrient absorption is increased. Is that clear? तो ये benefits है किसके? Mycorrhizae के. Now question arises कि सर क्या biofertilizers के और क्या use है, क्यों हम chemical fertilizers की जगह हम इनको use कर रहे हैं? Okay? तो benefits of, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग बायो फर्टिलाइजर, तो क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट, इट इंप्रूव्स सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर को इंप्रूव करता है. साथ के साथ इट ऑल्सो अवॉइड्स पैथोजेंस. जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स कैन प्रोड्यूस इट्स इनोक्युलम, इसका इनोक्युलम फार्मर्स खुद तैयार कर सकते हैं काफी इजीली. ओके साथ के साथ जो पैदावार है इट इंक्रीजेस यील्ड 15 to 20%. साथ के साथ does not cause pollution. Is that clear? Okay. साथ के साथ ये easily available and cheap. सस्ते हैं, easily available है. तो ये थे हमारे benefits biofertilizers के बारे में. होप सो जो टॉपिक है बायो फर्टिलाइजर्स का वो आपको समझ में आया होगा. ओके थैंक यू.